हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अमन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जावा डेटा टाइप्स रिलेटेड क्वेश्चन को हैकर रैंक पे। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ओके, देन हम कोड टाइप करेंगे। सो गाइज, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डेटा टाइप्स को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो बाइट हमारा कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। शॉर्ट हमारा होता है 16 बिट का। इंट हमारा होता है 32 बिट का। एंड लॉन्ग हमारा होता है 64 बिट का। ओके, एंड यहाँ पे रेफरेंस के लिए इन्होंने लिंक दिया है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, एंड वहाँ पे बाइट की रेंज, शॉर्ट की रेंज एंड इंट की रेंज एंड लॉन्ग की रेंज वहाँ पे मेंशन है। ओरेकल का वेबसाइट है या ओरेकल की लिंक है, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। ओके गाइस, इनकी रेंज को इस लिंक पे क्लिक करके, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करके इनके रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने इनपुट फॉर्मेट बताया हुआ है, देन ये आउटपुट फॉर्मेट बताया हुआ है। ओके गाइस, देन यहाँ पे ये सैम्पल इनपुट है एंड ये सैम्पल आउटपुट है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो 5 मेंशन है हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ इनपुट है। ओके, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इनपुट 5 यहाँ पे मेंशन है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट भी 5 लिए गए हैं, -150, 1500, 1500, 2133 एंड -100। ओके, ये इनपुट है, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट है। ओके, सो सैम्पल आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इनपुट -150 लिया है, सो यहाँ पे इन्होंने बताया -150 कैन बी फिटेड इन शॉर्ट इंट लॉन्ग। सो -150 और किस किस में फिट हो सकता है, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में। ओके, बट जो 1500 है वो किस में फिट हो सकता है, इंट और लॉन्ग में, वो शॉर्ट में फिट नहीं हो सकता। ओके, सेम ऐसी 1500 कैन बी फिटेड इन मल्ली इंट और लॉन्ग। ओके, वो भी शॉर्ट में फिट नहीं हो सकता। देन ये वाला आप देख सकते हैं 21333 कांट बी फिटेड एनी वेयर। ओके गाइज, सो ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसे हम ना इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग किसी में भी हम फिट नहीं कर सकते। देन -1000 कैन बी फिटेड इन ओनली इन लॉन्ग। ओके, ये इंट और शॉर्ट में फिट नहीं हो सकता। ओके गाइज, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा हुआ है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बाइट की रेंज को पहले से ही मेंशन करा हुआ है। ओके, एंड इसके आगे इन्होंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट का यूज़ करा है। सो मैं एंटर करता हूँ एंड इसे मैं न्यू लाइन में ले लेता हूँ, देन टैप प्रेस कर देता हूँ। ओके गाइज, सो आगे का कोड मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ नोट पैड से उसे कॉपी कर लेता हूँ, देन हम हैकर रैंक पे उसे पेस्ट कर देंगे। ओके गाइज, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइज, सो एक बार मैं यहाँ पे इसे लाइन को सही से एडजस्ट कर देता हूँ ये। ओके, ये बाइट के लिए था, ये शॉर्ट के लिए हमारा, ये इंट के लिए है एंड ये हमारा लॉन्ग के लिए। ओके गाइस, सो चलिए मैं रन कोड पे क्लिक कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। ओके, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ओके गाइस, सो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए मैं सबमिट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केसेज हमारे पास हो चुके हैं। यहाँ पे कंपाइलर ने मैसेज भी दे दिया सक्सेस का। ओके, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ओके गाइज, सो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचती रहा करेगी। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।